लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने देश भर में हलचल मचाई है। सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट ने खींचा है। अयोध्या राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। इनमें एक ट्वीट सोनू निगम नाम के एक्स हैंडल से भी वायरल हुआ। ज्यादातर लोगों ने इसे फेमस प्लेबैक सिंगर सोनू निगम का अकाउंट समझ लिया था और नतीजा ये हुआ कि उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वहीं सोनू निगम ने कहा है कि मुझे हैरानी है कि कैसे न्यूज चैनल्स और लोगों ने इसे मुझे समझ लिया है। उन्होंने अपनी समझदारी दिखाते हुए अकाउंट के बायो को क्यों चेक नहीं किया। उनके हैंडल पर सोनू निगम सिंह लिखा हुआ है और बायो में कहा गया है कि वो बिहार के रहने वाले एक क्रिमिनल लॉयर है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी तरह की गंदगी ने मुझे 7 साल पहले ट्विटर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं कोई सनसनीखेज राजनीतिक टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखता हूं और मैं केवल अपने काम पर फोकस करता हूं। लेकिन ये घटना परेशान करने वाली है, ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए।